नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0112397804। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मारुति डिजायर के साथ में स्कोडा की रैपिड के बेस वेरियंट को कंपेयर करने वाले हैं। मुझे अच्छे से मालूम है दोस्तों कि दोनों ही गाड़ियों का सेगमेंट अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद जब आप स्कोडा रैपिड की कीमत सुनेंगे तो आपको एक झटका लगने वाला है, क्योंकि जब आप इसकी खूबियां जानेंगे तो आप मारुति डिजायर को डेफिनेटली भूल जाएंगे। वैसे मुझे मालूम है कि आप सभी को पता होगा कि रैपिड स्कोडा की इंडिया में बिकने वाली सबसे सस्ती गाड़ी है और इसी गाड़ी के साथ में उनकी प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर शुरू हो जाती है और अपनी कीमत के दम पे स्कोडा रैपिड के साथ में मारुति डिजायर को लेकर होंडा अमेज, फोर्ड की एस्पायर और ह्यूंडई की ऑरा को भी चुनौती देना चाहता है। रैपिड को देखने के बाद में मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि आप डिजायर को भूल जाएंगे और डिजायर इस सेगमेंट की सबसे घटिया गाड़ी आपको नजर आएगी। आई डोंट अंडरस्टैंड डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दी फैक्ट्स क्यों लोग मारुति की गाड़ियों को प्रेफर करते हैं। दे प्रेफर इट्स पथेटिक एंड लो बिल्ड क्वालिटी ओवर दियर हार्ड एंड मनी। वी इंडियंस ऑल्सो प्रेफर्स दी अनसेफ एंड वर्स्ट सेफ्टी मारुति कार्स ओवर एंड अबव अवर लाइफ। वी ऑल्सो प्रेफर मारुति's माइलेज ओवर एंड अबव आवर लाइफ। वी ऑल्सो कंसिडर एंड प्रेफर इट्स रीसेल वैल्यू एंड मारुति's सर्विस नेटवर्क ओवर एंड अबव आवर लव्ड वंस लाइफ। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे मारुति और डिज़ायर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और काफ़ी सारी मारुति की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है, ये आप सभी को मालूम है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर सेक्शन के बाद में मैं अपने पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, उन्हें क्लियर करूंगा और आगे चल के वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप भी बताऊंगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि डिज़ायर रैपिड के मुकाबले एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी की कार आपको ऑफर करती है। इन दोनों गाड़ियों में जो भी अब प्राइस गैप आने वाला है, क्या आपको लगता है कि वो गैप आपको मजबूर कर सकता है कि आप मारुति की डिज़ायर को भूलकर स्कोडा की रैपिड को ख़रीद लेना चाहिए? क्या डिज़ायर आपको लगता है कि रैपिड से एक बेहतर कार है, या फिर आप ये सोचते हैं कि रैपिड ही बेहतर है? दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होती है, इस बारे में आपकी राय क्या है? मुझे हमेशा आपकी राय का इंतज़ार होता है दोस्तों, तो आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपके जहन में भी अगर ऐसे कई सारे सवाल होंगे तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विड्थ में डिज़ायर रैपिड से लगभग 35 mm ज़्यादा बड़ी है और हाइट में लगभग 49 mm बड़ी है। वहीं रैपिड इसका सेगमेंट अलग है, ये एक मिड साइज सेडान है, तो जाहिर सी बात है कि ये मारुति डिज़ायर से लेंथ में लगभग 418 mm बड़ी है और व्हील बेस में 102 mm बड़ी है। अब आगे मुड़ते हैं और दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। रैपिड में स्कोडा अब एक नया इंजन लेकर आई है, तो चलिए जानते हैं। जहां तक डिज़ायर की बात है दोस्तों, इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 89 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और लगभग 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4400 RPM पर। वहीं रैपिड में अब आपको 1.6 लीटर की जगह पे 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है नया वाला, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है 5250 RPM पर
और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 4000 आरपीएम पर, जो कि अपने खुद के सेगमेंट में भी एक बहुत ही अच्छे फिगर्स है दोस्तों। मुझे मालूम है कि इसे हमेशा फोक्सवैगन की वेंटो, मारुति की सीएस और होंडा की सिटी के साथ में कंपेयर किया जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर स्कोडा रैपिड अब आई है और ये बाकी सारी गाड़ियों को एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला और चुनौती दे सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंजन स्पेसिफिकेशन जानने के बाद में आप समझ गए होंगे कि रैपिड यहाँ पर क्लियर विनर है, क्योंकि डिजायर का इंजन रैपिड के मुकाबले कम पावर और बहुत ही कम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं पर 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी रैपिड यहाँ पर एक बेहतरीन कार साबित होती है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं भूला हूँ कि यस, इसके साथ में आपको एक टर्बोचार्जर भी आता है, जिसकी वजह से ही रैपिड इतनी बेहतरीन पावर आउटपुट और परफॉर्मेंस आपको दे पाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जान लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जिससे आपको एक बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है। तो चलिए देखते हैं और एक नज़र डालते हैं कर्व वेट पर। तो जहां तक मारुति की डिज़ायर के वज़न की बात है, ये केवल 880 किलोग्राम से लेकर 915 किलोग्राम तक आपको मिलता है। वहीं अगर हम रैपिड की बात करें तो ये है 1112 किलोग्राम से लेकर 1138 किलोग्राम तक। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर फिर से एक बार रैपिड बाजी मार ली जाती है। आगे मुड़ते हैं और दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जहाँ पर मारुति की डिज़ायर में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वही रैपिड में भी आपको लगभग 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि इस सेक्शन के लिए बराबरी का मुकाबला हो जाता है। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और दोनों गाड़ियों के टर्निंग रेडियस पर गौर करते हैं। तो यहाँ भी मामला लगभग बराबरी का है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिज़ायर में आपको मिलता है 4.8 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं रैपिड आपको ऑफर करती है 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस, लेकिन बेशक यहाँ पर डिज़ायर बेहतर साबित होती है। आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो डिज़ायर में आपको केवल 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है दोस्तों, वहीं रैपिड में आपको मिल जाता है 55 लीटर का फ्यूल टैंक। और हमेशा की तरह हम जब फ्यूल टैंक की बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के माइलेज के बारे में। तो रैपिड जहां पर आपको केवल 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करती है, वहीं मारुति की डिज़ायर आपको 23.26 KMPL का माइलेज ऑफर करेगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। उससे पहले कहना चाहूँगा कि यस, माइलेज के मामले में डेफिनेटली मारुति की डिज़ायर यहाँ पर आगे निकल जाती है, लेकिन माइलेज इज़ नॉट ओनली द फैक्टर वेयर यू शुड कंसिडर द कार। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें भी आपको अपने हार्ड अर्न मनी को लगाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो डिज़ायर में जहाँ पर आपको केवल 378 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं रैपिड आपको दोस्तों 460 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है। जाहिर सी बात है, गाड़ी लंबी है, इसका व्हील बेस लंबा है, तो आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा ही मिलना है, लेकिन जब आप प्राइस सुनेंगे तो आप डेफिनेटली चौंक जाएंगे दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉय व्हील्स और व्हील्स, जहाँ पर डिज़ायर एक तरफ आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करती है। ऑफकोर्स ये एक टॉप वेरिएंट है, जिसके साथ में हम बेस वेरिएंट को कंपेयर करने वाले हैं, तो वही रैपिड का बेस वेरिएंट आपको केवल 15 इंचेस के स्टील व्हील्स के साथ में मिलेगा। लेकिन यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि लगभग काफ़ी सारी चीज़ों में स्कोडा की रैपिड मारुति की डिज़ायर से कहीं आगे निकल जाती है। अभी तक के वीडियो में आपकी क्या राय है दोस्तों, वो राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे हमेशा उसका इंतज़ार होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे दोस्तों दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर, जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि दोनों ही गाड़ियों में क्या कुछ आपको कॉमन मिल जाता है। शुरुआत करेंगे पहले फीचर से, जो कि है LED टेल लैम्प। साथ ही साथ आपको दोनों गाड़ियों में टिल्ट पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन भी कॉमन मिल जाता है। दोनों ही गाड़ी में फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, स्कोडा की रैपिड बेस वेरिएंट से ही आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। दोनों गाड़ियों में आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, डस्ट एंड पोलन फिल्टर्स आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल विद टर्न इंडिकेटर ORVMs आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे, और सेफ्टी के मामले में आपको मिनिमम ड्यूअल एयरबैग, ABS प्लस EBD एंड रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और जान लेते हैं कि आपको मारुति की डिजायर में वो कौन से ऐसे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं जो आपको स्कोडा की रैपिड में नहीं मिलेंगे। और जाहिर सी बात है ये बेस वेरिएंट है तो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा और बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या वो फीचर्स सच में ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिनके लिए आप डिज़ायर की कुर्बानी नहीं दे सकते? तो चलिए एक बार देख लेते हैं, नज़र डालते हैं। शुरुआत करेंगे पहले फीचर से। तो डिज़ायर में आपको दोस्तों प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, LED DRLs आपको मिल जाएंगी, ऑटो हेडलैम्प और फ्रंट फॉग लैम्प का फीचर भी आपको मिल जाता है। डिज़ायर में आपको जहां 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं वहीं आपको रैपिड में केवल स्टील रिम्स मिलेंगी। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं डिज़ायर में, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है दोस्तों, और डे नाइट IRVM का फीचर भी आपको यहां पर डिज़ायर ऑफर करती है। साथ ही साथ आपको डिज़ायर में मिलेगा पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर, कूल ग्लव बॉक्स का फीचर मिलेगा आपको, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब भी यहां पर आपको डिज़ायर में मिल जाता है। उसके अलावा डिज़ायर में आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलेगा अलॉन्ग विथ ऑल दी बेसिक फीचर्स जैसे कि USB, ऑक्सिन, FM, AM, साथ ही साथ आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ और एप्पल और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी इसमें मिल जाएगी दोस्तों। वहीं पर स्कोडा की रैपिड में आपको केवल 2-DIN म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जिसमें आपको केवल USB एंड ऑक्सिन की कनेक्टिविटी मिलेगी। नेक्स्ट इज दोस्तों डिज़ायर आपको ऑफर करेगी रियर व्यू कैमरा, एक स्मार्ट हाइब्रिड यानी कि आइडल स्टार्ट एंड आइडल स्टॉप की टेक्नोलॉजी, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट का फीचर आपको डिज़ायर ऑफर करती है। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और जान लेते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स है अब जो आपको रैपिड में मिल जाएंगे स्कोडा की, लेकिन वो फीचर्स आपको मारुति की डिज़ायर में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि लिस्ट बहुत ही छोटी है लेकिन हम जान लेते हैं कि ये कौन से फीचर है जहां पर मारुति की डिज़ायर में आपको केवल टिल्ट स्टीयरिंग मिलती है, वहीं पर आपको रैपिड में पावर स्टीयरिंग अलॉन्ग विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का फीचर मिल जाता है बावजूद इसके कि ये एक बेस वेरिएंट है। उसके बाद में आपको रैपिड में स्टेनलेस स्टील स्कफ प्लेट्स मिल जाती हैं जिस पर रैपिड की लोगो और ब्रांडिंग दी हुई है। उसके अलावा आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर्स मिल जाते हैं देखने के लिए और एक प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल विद द बेस्ट फिट एंड फिनिश कार मिलेगी जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार और बेहतरीन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर आपको मारुति की डिज़ायर में केवल 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है जो कि 53% मार्केट शेयर होल्ड करती है ये कंपनी, वहीं पर स्कोडा की रैपिड के साथ में आपको मिलती है 4 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी, 4 साल तक अनलिमिटेड किलोमीटर का रोड साइड असिस्टेंस आपको मिल जाएगा और 4 साल या फिर 60,000 किलोमीटर तक आपको 4 फ्री सर्विस मिलेंगी जो कि होगी या तो 15,000 किलोमीटर या फिर 1 साल के इंटरवल पे जो भी सबसे पहले आएगा। तो इसके सामने आपको एक 53% मार्केट शेयर होल्ड करने वाली गाड़ी का वारंटी ऑफर बहुत ही घटिया लगता है। उसके सामने रैपिड का जो वारंटी ऑफर है विच इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड द बेस्ट। मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐसा घटिया वारंटी ऑफर देने से पहले मारुति को थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए थी। चलिए आगे मुड़ते हैं वीडियो में और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं जो कि है प्राइस यानी कि प्राइस गैप, और शुरुआत करेंगे दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग से। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में जो भी प्राइस मैं कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। आपके अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। डिज़ायर का जो पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट है दोस्तों जिसका नाम है ZXi+, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 8,28,000 रुपये तक का मिल जाता है। वहीं रैपिड का जो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है जिसका नाम है राइडर, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको केवल 7,49,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है जो कि डिज़ायर से लगभग 79,000 रुपीज़ सस्ता है। और इसके एडिशनल कॉस्ट में यानी कि जो 79,000 की एडिशनल कॉस्ट मारुति हमसे ले रही है डिज़ायर में, उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मारुति कोई भी ऐसे टॉप नॉच सेफ्टी एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर ऑफर करती है या फिर ऐसी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है जिसके लिए मुझे वो 79,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करने चाहिए। तो अब अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कोडा की रैपिड एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है और यहाँ पर क्लियरली मेरे हिसाब से विनर साबित होती है ऑन द बेसिस ऑफ बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर सेफ्टी फीचर्स, बेटर स्पेस, बेटर इंजन एंड परफॉर्मेंस आउटपुट, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर कम्फर्ट, बेटर फिट एंड फिनिश, बेटर बूट स्पेस और बहुत ही बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ में ये डिज़ायर के सामने यहाँ पर बाजी मार ले जाती है।
वहीं मेरे हिसाब से अगर आप मुझे मेरी राय पूछे तो मैं अपने लिए डेफिनेटली डिजायर की कॉस्ट में 80,000 रुपये लगभग बचा कर स्कोडा की रैपिड को लेना पसंद करूंगा। आप क्या चुनते हैं ये आपका फैसला है, आपने क्या चुना, आपको एक फीचर रिच कार चाहिए या फिर एक प्रीमियम ब्रांड की एक प्रीमियम कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बेहतर कार चाहिए, ये फैसला आपको लेना होगा। तो आपकी क्या राय है, आपने क्या सोचा और क्या फैसला लिया और कौन सी गाड़ी चुनी, इसका मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।